विशिंग यू ऑल अ मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आपका नया साल बहुत शुभ हो, बहुत खुश रहें एंड बहुत हेल्दी हों. हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी क्रिसमस ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ, जिसमें मोस्टली चीज़ें हेल्दी होंगी, लेकिन हाँ कुछ एक चीज़ें अनहेल्दी भी होंगी, बिकॉज क्रिसमस पे चीटिंग करने का थोड़ा सा प्लान है. एंड वैसे ही समटाइम्स होता है ना, जब बहुत दिन के बाद हम सुपर मार्केट में जाते हैं तो थोड़ा सा मन ललचा जाता है. तो मन ललचाने की वजह से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही ले ली है. ज़रूरी नहीं है मैं हर एक चीज़ को ऐसे एकदम से इस्तेमाल करूँ. कुछ चीज़ें मैं रखे रखती हूँ, बस मैं वैसे ही खरीद लेती हूँ. तो चीट मील्स वाली चीज़ों से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि क्रिसमस शॉपिंग है तो थोड़ा सा अनहेल्दी भी कुछ होना चाहिए. तो क्रिसमस शॉपिंग है ना, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये फ्रूट चेरीज जो आती हैं टूटी फ्रूटी, ये रेड और ग्रीन ली, और जो ये वाली चेरी होती है रियल वाली, उसका पैकेट मैंने लिया. अब ये मैंने क्यों लिया है, क्रिसमस केक की मैंने एक रेसिपी देखी थी, मुझे वो बनाना है तो उसके लिए मैंने ये लिया है. उसमें ये भी डलेंगे, कीमिया वाले डेट्स भी डलेंगे उसमें, साथ ही में उसमें मिक्स्ड बेरीज डलेंगी, तो मैंने मिक्स्ड बेरीज भी लेकर के रखी हैं. उसमें एप्रिकॉट्स, काजू, पिस्ता, बहुत सारे वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स एंड ये सब चीज़ें डलने वाली हैं. तो वो सब चीज़ें मैंने कलेक्ट कर ली हैं. वो मैंने, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी थी एंड कुछ एक मेरे पास जो जो इंग्रेडिएंट्स नहीं थे मैं वो लेकर के आई. मैं हिसार में रहती हूँ हरियाणा में, तो गोयल सुपर मार्केट है वहाँ पर, वहाँ से लिया मैंने कुछ सामान, और कुछ सामान मैंने लिया है रिलायंस फ्रेश से. ये मैं बचपन में ना, ये बहुत छोटे होते तो नहीं, बचपन गलत कह रही हूँ, मैं कॉलेज टाइम में एक्चुअली ये वाली टॉफ़ीज़ खाती थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, स्टार की शेप में, टेडीज़ की शेप में, ऐसी चांद सितारे वाली टॉफ़ी होती है. तो ये 30 रुपीज़ का कुछ आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट हाँ, मैं पूरा नहीं खाने वाली हूँ, मैं बस इसमें से 2-3 टॉफ़ीज़ खाऊंगी जो बहुत छोटी छोटी सी. देन कस्टर्ड पाउडर, फिर मैंने लिया यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम. वैसे तो मैं पैकेज्ड फूड के अगेंस्ट हूँ, मैं कुछ भी वो प्रमोट नहीं कर रही, मैं जस्ट आपके साथ फन हॉल एक शेयर कर रही हूँ. फ्रेश क्रीम ली है मैंने अमूल की, और मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया जो कैन वाले फ्रूट्स होते हैं. मुझे कैन वाले फ्रूट्स वैसे खाने, और अमूल की फ्रेश क्रीम में अगर उन्हें मिक्स करके खाओ ना तो वो बहुत टेस्टी फ्रूट क्रीम बन जाती है. दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट स्वीट डिश आउट ऑफ ऑल टाइम लाइक. तो वो मैं क्रिसमस पे डेफिनेटली खाने वाली हूँ. देन मुझे कैडबरी नटीज दिख जाए तो आई कैन नेवर कंट्रोल, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे बचपन से. दूसरे चॉकलेट्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती चॉकलेट्स, बट हाँ नटीज देख करके मन कर जाता है. फिर लिया कोका कोला, बिकॉज 3 के साथ 1 फ्री थी एंड फ्री ऑफर छोड़ने का मन नहीं करा, जस्ट सिर्फ इसलिए लिए, नो अदर रीजन. शायद मैं पीऊँगी भी नहीं बिकॉज बहुत अनहेल्दी होती है. देन वी हैव माई फेवरेट चीट मील ऑफ ऑल टाइम, नूडल्स. टॉप टेस्ट के या टॉप्स के कोई भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो ये सिंपल ऑथेंटिक चाइनीज टेस्ट वाले नूडल्स जो हैं वो मैंने लिए हैं. इसको मैं अभी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने वाली, इतने चीट मील्स में नहीं खाऊंगी, बिकॉज आज ही हमने यहाँ पर पाव भाजी खाई है, जिसको मैं चीट मील डेफिनेटली नहीं बोलने वाली, बिकॉज ये आटा वाला पाव है, ठीक है, और बहुत प्योर आटा वाला पाव है, प्लस टेस्ट अमेजिंग. यहाँ पर एक फैमिली इन बेकर्स एंड रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैंने लिया, इट इज़ सिंपली अमेजिंग. एंड भाजी तो घर पर हेल्दी ही बनाती हूँ मैं, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो वो क्रिसमस ईव पर हमारी ये इस तरीके से चीटिंग हुई है, बहुत हेल्दी वाली. देन पिज़्ज़ा बेस लिया है मैदे वाला. आई एम नॉट श्योर मैं मैदे वाला पिज़्ज़ा खाऊंगी या नहीं, बट बहुत पतला है तो इन एनी केस बहुत अनहेल्दी नहीं होने वाला है. बट हाँ, डिपेंड्स ऑन माई मूड, हो सकता है मैं खा भी लूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पर मैंने अपने लिए हेल्दी वाला लिया है, आटा वाला बेस लिया है, तो मैं फॉर श्योर आटा वाला पिज़्ज़ा तो खाने ही वाली हूँ, उसको तो मैं चीट मील में काउंट भी नहीं कर रही. अब बिकॉज मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया है तो चीज़ तो बनता है. तो यहाँ पर मैंने 3 डब्बे चीज़ के ले लिए, आई नो इट्स अ लॉट. एक एक्चुअली मेरे पास पहले भी घर पर पड़ा है, बट एक्सपायरी डेट में काफ़ी टाइम है, बट मैं वैसे ही लेकर के रख लेती हूँ. मुझे पसंद आया था मदर डेरी, मॉडर्न डेरीज वाला, काफ़ी ज़्यादा बहुत टेस्टी था, इसलिए मैंने 2 लेकर के रख लिए. एंड देन मुझे गलत फहमी होगी कि मम्मी ने बोला अमूल वाला ले आ, मम्मी कह रही थी अमूल का बटर ले आ उनके लिए, बट मेरे को गलत समझ में आ गया, तो मैंने फिर बस अमूल का पिज़्ज़ा चीज़ ऐसे ही ले लिया. बट ये भी अच्छा होता है, मोज़रेला और चेदर चीज़ का ब्लेंड होना चाहिए, बस तभी अच्छा लगता है. खाली मोज़रेला बहुत चीड़ा चीड़ा लगता है, और खाली चेदर बहुत सॉफ्ट लगता है. एंड वैसे मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ गो पिज़्ज़ा चीज़, बिकॉज वो काउज मिल्क से बना होता है, एंड तो मैं काउज मिल्क को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सिर्फ इस वजह से. एंड हाँ, गो पिज़्ज़ा चीज़ टेस्टी तो होता ही है. देन वी हैव पतंजलि का
काओ मिल्क बटर, बहुत टेस्टी लगा मुझे, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया बट मुझे अच्छा लगा, प्लस थोड़ा हेल्दी वाला फील भी आता है बिकॉज काउज मिल्क का है, जब बाहर का बटर खाना ही है तो एटलीस्ट काओ मिल्क का होना चाहिए। मैं चीज़ स्लाइसेस भी जो इस्तेमाल करती हूँ काओ मिल्क का ही इस्तेमाल करती हूँ, बट डेफिनेटली बेस्ट इज़ घर का बना गाय का मक्खन, वही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तो समटाइम्स होता है किसी एक आधे डिश में, जैसे पाव भाजी में डाल दिया या कभी सैंडविच में लगा लिया। नाउ लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा की बात चली रही थी तो डेफिनेटली पिज़्ज़ा सीजनिंग है, एंड इग्नोर माई नेल्स, मेरी नेल पेंट बड़ी उबड़ खाबड़ लगी हुई है, तो ये पिज़्ज़ा सीजनिंग आई डोंट कंसिडर इज इट अनहेल्दी ऑब्वियसली बिकॉज इसमें हर्ब्स होते हैं एंड हर्ब्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है। देन ये चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट है, बहुत रेयरली मिलता है हमारे यहाँ पे, तो ये दिखा तो मम्मा एंड मैंने, वी वर लाइक जो होता है ना एक लपक के लेना, एकदम झपक के लपक झपक के, तो उस तरीके से हमने उठा करके फटाक से लिया। छोटा सा पैकेट है 375 का, 100 ग्राम्स, बहुत एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो बस ले लिया। देन ये मम्मा को बहुत पसंद है काला आम पापड़, उसकी टॉफ़ी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अब इसको ना मैं अनहेल्दी बोल रही ना अनहेल्दी, बस ठीक है कुछ भी लगा लो बट हाँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए इस तरीके की चीज़ें। बट मम्मी बोल रही थी कि जो काला आम पापड़ होता है ना उसमें शायद चीनी नहीं डलती है, बट इन एनी केस फ्रेश फ्रूट तो है नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स तो होते हैं इसमें, तो उतना हेल्दी तो ऐसे होता नहीं है, बट जो भी है ले लिया। और ये फिर है यहाँ पर अल्फोंजो का खट्टा मीठा वाला येल्लो वाला आम पापड़, येल्लो वाला मुझे अच्छा लगता है। फिर ये मम्मा ने लिए हैं चिरौंजी, वो बोल रही थी कि ये गुजिया में डलती है, तो चिरौंजी तो हेल्दी ही होती है, मसाला टाइप सा हो गया ना कुछ। फिर छुआरे लिए हैं, एक वाइटिश वाले छुआरे आते हैं थोड़े लाइट ब्राउन, और एक आते हैं ये ब्लैक वाले, तो मुझे ब्लैक वाले बहुत टेस्टी लगते हैं। रात को सर्दियों में दूध में दो छुआरे डाल के अच्छे से बॉयल करके ताकि सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं इस तरीके से दूध पीती हूँ यूजुअली, तो ये दिस इज़ समथिंग विच आई कंज्यूम अ लॉट। वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट चीट मील्स इज पास्ता, बिकॉज पास्ता उतना अनहेल्दी नहीं होता क्योंकि सूजी से बनता है, ड्योरम वीट सेमोलिना वाले आते हैं, तो आई टेक ड्योरम वीट सेमोलिना वाला यूजली, तो वो मैंने लिया है। एंड ये तो मैं वंस इन अ वीक या फिर वंस इन टू वीक्स पास्ता तो मैं फॉर श्योर खाती हूँ, वाइट सॉस वाला या फिर वाइट एंड रेड सॉस मिक्स वाला, खाली रेड सॉस वाला आई डोंट लाइक। देन राइस पास्ता मुझे दिखा तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, राइस पास्ता है तो हेल्दी उसमें ही कंसिडर करूँगी मैं, बट हाँ पैकेज्ड फूड है तो उतना हेल्दी नहीं होता, घर का खाना इज़ ऑलवेज हेल्दी। अब मैं यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल और घर का बना देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जब कुक करते हैं तो रिफाइंड ऑयल की ज़रूरत होती है, तो रिफाइंड ऑयल वाला काम हमेशा हम सरसों के तेल और कोकोनट ऑयल से उतना नहीं भी कर पाते, या पिज़्ज़ा में कभी थोड़ा ऐड करना हो ऑयल तो उतना अच्छा फील नहीं आता, आई मीन आ जाता चल जाता है, उसमें मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा चाहिए होता तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है, विच इज़ हेल्दी ऑफकोर्स, बट जहाँ पर ऑलिव्स ग्रो करते हैं नॉट इन आर कंट्री, ये स्पेन का प्रोडक्ट है हमारा नहीं है, तो बाहर की चीज़ों को हम लोकल सीजनल में नहीं कंसिडर कर सकते ना, तो उतना हेल्दी नहीं होता, बट डेफिनेटली कुछ नुकसान भी नहीं करेगा, तो इसके लिए मैंने इसको लिया है। देन यहाँ पर मेरे पास है राइस स्पैगेटी, बहुत सोचा मैंने लूँ नहीं लूँ बट फाइनली रहा नहीं गया, छोटा सा ही था, बहुत छोटा है, मीन ये एक ही बार का बनेगा, तो मैंने ले लिया। ये चारकोल कोल क्लीन वाला कोलगेट का नया टूथपेस्ट आया, कुछ टाइम हो गया है सो आई थॉट ये वाला ट्राई करके देखते हैं। ब्राउन शुगर मैंने लिया, जो मैं आपको बोल रही थी कि केक बनाना है क्रिसमस वाला, तो उसकी रेसिपी में था ब्राउन शुगर, एंड ब्राउन शुगर इज कंसिडर्ड हेल्दी ऑब्वियसली। स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली मैंने लिया व्हाइट सॉस पास्ता के लिए, मुझे बहुत पसंद है ब्रोकली वाला पास्ता इसके लिए। एंड सुपरमार्केट्स वाले फ्रूट्स वेजीज लेने नहीं चाहिए, लेने चाहिए हमेशा रेडियों से, वही ज़्यादा अच्छे होते हैं, वही ज़्यादा लोकल सीजनल होते हैं, बट कभी कभी ही मैं बाहर से खुद जा करके लाती हूँ, तो मैंने फिर ये ले लिया। और मैंने चीकू लिए अपने लिए, मोटी वाली सूजी, ऊपर भी इसके बड़ा बड़ा इन्होंने मार्कर से लिखा है मोटी सूजी खा ले सूजी से बना खाना हेल्दी होता है, नाश्ते हेल्दी होते हैं, उपमा उत्पम वगैरह मोटी वाली सूजी से उपमा बहुत अच्छा बनता है, तो इसके लिए ये ली है। पोहा लिया है रिलायंस का पोहा, मुझे बहुत पसंद है गुड लाइफ वाला जो आता है इनका, बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट बनता है, मुझे सॉफ्ट पोहा पसंद है। देन मैंने बहुत सारे डब्बे ये क्रेट लिए हैं ब्राउन एग्स के, मैं एक ही दिखा रही हूँ आपको बट मैंने लिए बहुत सारे हैं,
सो आई थिंक मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया है एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको क्या ग्रॉसरी शॉपिंग करना अच्छा लगता है एंड इफ़ येस तो आपको सबसे ज़्यादा क्या शॉप करना अच्छा लगता है. पर्सनली अगर मैं बिल्कुल सच्ची सच्ची बताऊँ ना, मेरा फेवरेट सेक्शन ऑफ ऑल टाइम इज़ पास्ता एंड नूडल्स वाला. चाहे मैं खा सकती हूँ या ना खा सकती हूँ, मैं उधर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और चुपचाप फिर बहुत बार बिना लिए आ जाती हूँ, बिकॉज़ हेल्दी डाइट फॉलो करना होता है अल्टीमेटली. बट समटाइम्स ले करके भी आई जाती हूँ और फिर संभाल के रख देती हूँ, चाहे खाऊँ चाहे ना खाऊँ, बहुत टाइम बाद खाऊँ, बट ले आती हूँ कभी कभी. मेरी मम्मा मुझे घसीट कर ले आती है पास्ता सेक्शन से. मेरी मम्मा पीछे से बोल रही हैं कि ये भी बता दे कि मेरी मम्मा मुझे पास्ता और नूडल सेक्शन से फिर घसीट के ले भी आती हैं. बट उनको भी एक्चुअली अब पता है कि ये थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करेगी और फिर उसके बाद आ ही जाती है. अब ज़्यादा भी गड़बड़ नहीं करती, बट कर लेती है फिर भी, लेकिन उतनी नहीं करती है अब. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस.